हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक रेसिपी जो कि जंगली सब्जी या फिर इसे जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, जो नदी नाले के किनारे जंगल के खाली एनिमल्स आ गए। मैदानों में देखने को मिल जाते हैं। इसका हिंदी में नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इसे बंगला में थानकुनी बोलते हैं। देखिए, हम लोग जा रहे हैं नदी को क्रॉस करते हुए जंगल की ओर, और जंगल से हम लोग दिखाएंगे कैसे जगह पे मिलता है, और इसकी पहचान इसकी पत्तियाँ ही है, और ये लताओं में आती है, जो कि लताएं इसके मिट्टी से चिपक जाती है और उसी में पत्ते दिखाई देते हैं। ये देखिए, गोल गोल पत्ते। और ये जंगल में जामुन के पेड़ के नीचे उगा है, और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और इसकी रेसिपी आप लोगों को मम्मी बना के दिखाएगी। ये रेसिपी, इसको खाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और इसकी रेसिपी भी अच्छी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इससे एक प्रकार का बड़ा पेट, अलग अलग तरीके की सब्जी पकाई जाती है, लेकिन आज तो फिलहाल आप लोगों को दिखाते हैं इसकी भाजी, जो कि पकोड़े जैसे बनेगा। और ये सब्जी ज़्यादा जंगल में नहीं मिलती है, क्योंकि गाय फिर भैंस इनको चर जाती है अपने खाने के साथ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गाय भैंस जो चीज़ चरती है वो जहरीला नहीं होता जंगलों से, तो ये किसी भी प्रकार का जहरीला नहीं है। हाँ, हो सकता है अलग जगह पे अगर कहीं दूसरे चीज़ों को खा लिया तो जहरीला हो सकता है। और ये देखिए, हम लोग घर में आ गए, और ये देखिए इतना ही मिला। और इसके पेड़ को खाना नहीं चाहिए, ताकि हमें सालों साल मिलता रहे। ये अभी के सीज़न में थोड़ा कम मिलता है, फिर बाद में गर्मी के सीज़न में अच्छा ही देखने को मिल जाता है, और कलेक्ट करने को भी मिल जाता है। तो इसको मम्मी काट रही है, जो कि हमारे घर के बंगाली औजार बोटी के नाम से प्रचलित है, उस पर काट रही है। हमारे घर में चाकू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, और मम्मी को चाकू से काटना भी नहीं आता, तो इसको काट लेते हैं। काट के इसको फिर हल्दी और चावल के बुरादे में और कच्चे मिर्च को काट कर उसको पानी के साथ घोल देंगे, जो कि देखिए मम्मी कर रही है। और इस घोल को फिर हमें मिक्स करते हुए, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, और मिक्स करते हुए हमें कटे हुए सब्जियों के अंदर इसको मिक्स करना है अच्छे से। दोस्तों, हमें मैदा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैदा हानिकारक होता है। तो देखिए, मम्मी इसको मिक्स कर रही है। ये देखिए फ्रेंड, कटोरी थोड़ी छोटी हो गई थी तो मम्मी ने पलट दिया, दूसरी बड़ी कटोरी में डाल दिया। इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए मिक्स करना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बन जाए। तो फ्रेंड, हो ही गया है मिक्स करना। अब हम इसको कढ़ाई में पकाएंगे, जैसे कि मम्मी पका रही है। तो देखिए, इसको कढ़ाई में डाल दिया चूल्हे के ऊपर, और इसमें सरसों का तेल डालेंगे पहले गर्म होने को। इसमें थोड़ा सरसों का तेल ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि ये कढ़ाई के साथ चिपके ना। और अगर आपके घर में दूसरा वाला नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसका यूज़ करें, और तेल का प्रयोग कम कर सकते हैं। फ्रेंड, इसको हम ऐसे तो चावल के साथ खाते हैं, ऐसे चटनी के साथ भी खाया जा सकता है, और ये पकोड़े से कुछ कम नहीं होता है, पकोड़े जैसा ही स्वाद होता है। और इसके औषधीय गुण के वजह से ये हानिकारक भी नहीं होते, और इसको आप
कैसे भी खाए इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और इसको चावल के साथ, फिर ऐसे चटनी के साथ भी खा लेते थे, ऐसे तो खाली बड़े को भी खा लेते हैं, जो कि पकोड़े जैसा ही है, इसलिए खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये पालक से कुछ कम नहीं है। ये देखिए फिर मैं पलट रही है और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे, ताकि ये मुँह में डालने के साथ कुरमुरा जैसा स्वाद आए। फ्रेंड, इसको हम मछली के साथ भी पका के खा सकते हैं, पालक जैसा तरकारी बना के। तो देखिए, मम्मी ने इसको पकाया था, और जो कि मैं पास नहीं था तो आपको दिखा नहीं पाया, बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। और ये देखिए, जो बड़े बनाए वो भी तैयार हो गए, बड़ा पकोड़ा। और इसको हम चावल के साथ खाएंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये अगर अच्छे से पक जाए तो ये कड़वा भी नहीं होता है, खाने में हल्का सा करंची और कुरमुरा, और बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने डाल दिया अपने चावल की थाली में, और आप भी घर में बना के खाइए थानकोनी का सब्जी और थानकोनी के बड़े। सॉरी फ्रेंड, थानकोनी के बड़े, थानकोनी की सब्जी बाद में दिखाएंगे।